भाई मेरे तीन आइटम बड़िया मशहूर है जी, जिदा चिकन टिक्के दी स्टिक है, थाई बोनलैस है, पूरे शहर च कोई नहीं लगांदा। पहले मैं 50 दी दिंदा सी, हुण मैं 10 रुपए रेट अप कीता क्योंकि पिछो कच्चे माल का रेट अप हो गया। जो घट जाएगा मैं आपे कटा दांगा। फिर 50 दी स्टिक है विंग दी, जिहड़ी दो पीस हुंदे ते कटिंग होके 4 पीस हो जांदे। आ चिकन टिक्का विंग्स ते चिकन टंगड़ी लैग पीस 100 रुपए स्टिक है, तैयार हो गए है। असीं इहनूं सीक चो कढांगे, अपनी प्लेट दी प्रिपरेशन शुरू करांगे। प्याज, चटनी, नींबू, टिक्का, टूथपिक एंड चाट मसाला, ये साड़ी प्लेट तैयार हो गई चिकन टिक्के दी। दो पीस है, असी विचो कट करांगे इनू। सेम तरीका प्लेट लगांदा इंदा, प्याज, चटनी, नींबू, विंग्स, चाट मसाला। साड़ी पुदीने की चटनी होंगी जी, ये कोई नहीं बनाता क्योंकि इन्हें मेहनत ज़्यादा लगती है। इन्हें पैंता धनिया, पुदीना, भूकाला प्याज, जिन्होंने आप स्प्रिंग ऑनियन भी इंग्लिश कह दें। उस तो बाद हरी मिर्च, देखो साढ़े लैग पीस जिन्होंने आप ड्रम स्टिक भी कहने। सेम प्रिपरेशन, चटनी, प्याज, नींबू, लैग ते चाट मसाला। नाम है जी दिलप्रीत सिंह, मैं 10 साल तो काम करता पाया जी। एड्रैस हैगा जी इधर ज्योति चौंक है जी, इधर कंपनी बाग चौंक। ये जिहड़ा मिडल पैंदा है इहनूं पुरानी कचहरी भी कहा जांदा, पुरानी कचहरी के बाहर जिथे आप शूज़ दीआं दुकानां लगदीआं। मेरे को सर तंदूरी है, ईरानी चिकन है, ये साडा ईरानी चिकन है। टंगड़ी जिहनूं ड्रम स्टिक भी कह दिंदे आपां, विंग्स, चिकन टिक्का, चिकन सीको, एक मटन सीको की आइटम भी मेरे को आँगी पर रेडीमेड है, मेरी खुद की प्रिपरेशन नहीं है। इन रेट है जी, चिकन तंदूरी ईरानी के पुदीना 300 का फुल होएगा, 150 का हाफ, 50 की स्टिक होएगी विंग की, लैग होएगी 100 रुपए की स्टिक। इन्हें दो तरह के ने, तीन पीस छोटे ने तो दो पीस व्डे ने, रेट सेम है। चिकन टिक्का फिलहाल की घड़ी 60 रुपए है, पहले 50 सीगा क्योंकि इनका मटीरियल जो पिछले महंगा हो चुका है। ताड़े सामने मैं आप काम करता, मैं कोई लेबर नहीं, कोई कुछ नहीं, खुले समान के थले बैठे हैं, कोई लाइट का खर्चा नहीं। इधर बैटरी देखो, बैटरी ना लाइट चल रही है जी। करो ताज़ा पानी भर के लेना, बड़ा वेथों लैनी है। जो एक कारीगर का मिनिमम खर्चा 20,000 रुपया लगता है, 20,000 रुपया जो मैं अपने काम के उत्ते लाऊंगा, गाहक नूं डिवाइड करके देवगा तो यकीन गाहक नूं उहदा फायदा मिलेगा। ये मेरी क्रीम है जी, ये ना म्यूनिस है ना अमूल की फ्रैश क्रीम है, ये है देसी क्रीम है जी, सवेरे सवेरे दुध विचों डेयरिया निकलती, जिन्होंने आप मलाई भी कह दें, वो चीज़ है। यदा ही गर्म करके देसी घ्यो बनना, यदा ही ठंडा करके मक्खन बनना, ना असी मक्खन यूज़ करते, ना असी अमूल की क्रीम, ना असी म्यूनिस। ये दुध की बनाई क्रीम देसी क्रीम है, ये एक किलो के अद्धा किलो देसी घ्यो कढ़ सकते हो, जबकि अमूल की क्रीम के 100 ग्राम देसी घ्यो नहीं कढ़ सकते।